हे गाइस, तो आज है हमारे पास नार्दो 50i, जिसके मैं आपको फुल हिडन फीचर्स के बारे में बताने वाला हूँ। और उसके पहले मैं आपको थोड़ा सा इसके फ़ोन के बेसिक फीचर्स के बारे में बता देता हूँ। ये फ़ोन आपको 2 GB 32 GB इंटरनल मेमोरी के साथ मिलता है। साथ ही साथ इसके अंदर आपको 5000 mAh की लॉन्ग लास्टिंग बैटरी देखने को मिल जाती है। साथ में इसके अंदर पावर ऑक्टा कोर प्रोसेसर जो है काफ़ी कमाल का जो है प्रोसेसर भी आपको देखने को मिलता है। और डिस्प्ले की बात करते हैं तो आप देख ही सकते हो लार्ज साइज़ में आपको जहाँ पे जो है डिस्प्ले देखने को मिलता है। इसके अंदर डुअल सिम और एक मेमोरी कार्ड का जो है स्लॉट दिया गया, वो भी आपको इस फ़ोन के अंदर देखने को मिलता है। और चार्जिंग की बात करते हो काफ़ी कमाल का जो चार्जिंग है इसके अंदर आपको देखने को मिलता है। इस फ़ोन की जो कीमत होने वाली है, ये सिर्फ 7999 रुपये का फ़ोन है और ये और भी आपको डिस्काउंट ऑफर में कम में मिलने वाला है फ़ोन। तो यार वीडियो को शुरू करते हैं तो सबसे पहले आ चुके हैं हमारी फ़ोन की स्क्रीन के ऊपर। फ़ोन की स्क्रीन के ऊपर आपको दो ऑप्शन मिलते हैं, एक वॉलपेपर का, एक होम सेटिंग का। होम सेटिंग के अंदर आपको सिर्फ एक ही ऑप्शन देखने को मिलता है, पुल डाउन एक्शन। इसके अंदर आप चाहते हो कि ओपन सर्च, डू नथिंग और शो नोटिफिकेशन। डू नथिंग के अंदर आप कुछ भी नहीं कर पाएंगे, ओके। और अगर आप चाहते हैं कि आप कहीं से भी आपकी शटर को जो है नीचे करा सकते हैं, तो ये शो नोटिफिकेशन का आइकॉन ऑन करें, आप कहीं से भी इसकी जो है शटर को इजीली जो है नीचे करा पाएंगे। अगर आप चाहते हैं कि सर्च बार आ जाए, तो 3 ऑप्शन दिए गए हैं। अगर आप चाहते हैं कि आप सर्च करना चाहते हैं, ओपन सर्च का ऑप्शन भी आपको यहाँ पर जो है देखने को मिल जाएगा। तो अगर आप ज़्यादा गूगल यूज़ करते हैं तो आप ये भी एक जो है करके देख सकते हैं। उसके बाद आपको जो नेक्स्ट फीचर्स की बात करते हैं, वॉलपेपर। इसके अंदर दो तरह का ऑप्शन देखने को मिलता है, एक गैलरी गो एंड वॉलपेपर। ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कहाँ से आप वॉलपेपर सेव करना चाहते हैं। उसके बाद हम चले आते हैं सेटिंग्स के अंदर। सेटिंग्स के अंदर आपको काफ़ी सारी जो है सेटिंग्स देखने को मिल जाती है। सबसे पहले मैं नेटवर्क एंड इंटरनेट के अंदर चले जाता हूँ। इसके अंदर आपको मिल जाता है डाटा सेवर का मोड। अगर आप ज़्यादा डाटा यूज़ करते हो तो आप डाटा सेवर मोड यूज़ करके आप कोई सी भी एप्लीकेशन को रिस्ट्रिक्ट कर सकते हैं। कौन सी एप्लीकेशन में आप डाटा ज़्यादा कस्टमाइज करते हैं उसे आप बंद भी कर सकते हैं। उसके बाद आपको ऑप्शन मिलता है VPN का, जो ये फॉरेन कंट्री का VPN यूज़ करके भी आप मोबाइल को जो है इजीली यूज़ कर पाएंगे। उसके बाद कनेक्शन डिवाइस की बात करते हैं, इसके अंदर आपको ब्लूटूथ का ऑप्शन देखने को मिलता है। उसके बाद आपको एक नेक्स्ट ऑप्शन मिलता है एप्स एंड नोटिफिकेशन का। नोटिफिकेशन के अंदर आपको नोटिफिकेशन हिस्ट्री का ऑप्शन मिलता है, जिसको आपको इनेबल करके रखना है। अगर गलती से आप कोई भी हिस्ट्री को स्लाइड करके स्वाइप अप करके हटा दीजिए, तो आपको यहाँ पे पता लग जाएगा कि कौन कौन सी हिस्ट्री को आपने जो है डिलीट किया है, ओके। उसके बाद जो नेक्स्ट ऑप्शन मिलता है बबल्स। बबल्स में क्या होता है कि आपको बबल्स ऑन करना है। जब भी आपको कोई भी एप्लीकेशन की नोटिफिकेशन आएगी तो आपको बबल्स के माध्यम से पता लगेगा कि आपके सामने कोई भी नोटिफिकेशन आया। उसके बाद आपको नोटिफिकेशन हिस्ट्री की बात करते हैं, इसके अंदर काफ़ी सारे जो है मतलब पता लगेगा कि कौन कौन सी हिस्ट्री जो है आपके नोटिफिकेशन को अलाउ करके रखना है। उसके बाद आपको नोटिफिकेशन ऑन लॉक स्क्रीन, इसके अंदर आपको देखना है कि क्या करना है, शो कंजर्वेशन डिफॉल्ट एंड साइलेंट। इसके अंदर एक तरह का ऑप्शन है कि आप कंजर्वेशन को डिफॉल्ट करके साइलेंट कर सकते हैं, या हाइड साइलेंट कंजर्वेशन एंड नोटिफिकेशन, या छुपाना चाहते हैं कि कंजर्वेशन क्या है और साइलेंटली में, या डोंट शो एनीथिंग। तो यार आपके ऊपर डिपेंड करता है, तीनों चीज़ आपका मोबाइल डाटा प्राइवेसी में रखना चाहते हैं तो आप ये चीज इसका जो है इस्तेमाल इजीली कर सकते हैं। उसके बाद जो नेक्स्ट फीचर्स की ओर चलते हैं, डिफॉल्ट ऐप। डिफॉल्ट ऐप में अंदर आपको सबसे ऊपर की साइड ब्राउज ऐप की बात करते हैं। इसके अंदर आपको दो तरह का ऑप्शन देखने को मिलता है, क्रोम एंड ब्राउज़र। उसके बाद आपको मिलता है कॉलर आईडी एंड स्पम। इसके अंदर आप ट्रू कॉलर या फ़ोन, तो आपको फ़ोन ही रखना है। इसके बाद आपको डिजिटल असिस्टेंट ऐप के अंदर भी आपको गूगल ही रखना है। उसके बाद क्विक एम, इसके अंदर अभी आपको जो है कंपनी का लॉन्चर ही रखना है। उसके बाद फ़ोन ऐप के अंदर भी सेम वही रखना है फ़ोन को, और साथ में आपको मैसेज ऐप के अंदर भी आपको मैसेज ही रखना है। नॉट ट्रू कॉलर को यूज़ बिल्कुल अवॉइड करें तो ज़्यादा आपके लिए बेटर होगा। उसके बाद नेक्स्ट फीचर्स की ओर चलते हैं, डिस्प्ले। डिस्प्ले के अंदर आपको देखने को मिलता है डार्क थीम का ऑप्शंस। उसके बाद आई कंफर्ट के अंदर आपको थोड़ा येल्लोनेस की जो है फीलिंग आने वाली है, ये आपको थोड़ी लाइट को इसकी इफेक्ट कम हो जाएगा। उसके बाद कलर एंड कॉन्ट्रास्ट का भी ऑप्शन मिलता है, तो ये आप यहाँ से आपके हिसाब से जो है एडजस्टमेंट कर सकते हैं, कैसा आपको कलर चाहिए वो आप यहाँ से एडजस्टमेंट कर सकते हैं। उसके बाद आपको मिल जाता है वॉलपेपर। वॉलपेपर के अंदर मैं ऑलरेडी आपको बता चुका हूँ। उसके बाद ऑटो रोटेट स्क्रीन का ऑप्शन देखने को मिलता है, फॉन्ट साइज का ऑप्शन देखने को मिलता है, आप लार्ज मीडियम ये आप यहाँ से जो है कर सकते हैं।
उसके बाद आपको मिलता है डिस्प्ले साइज़ का, इसके अंदर भी आपको डिस्प्ले वर्ड जो है ना, वर्ड का साइज़ जो है वो बढ़ा सकते हैं, तो वो आपके ऊपर है कि आप कैसा देखना चाहते हैं। उसके बाद स्क्रीन सेवर्स एंड लॉक स्क्रीन, ये दो आपको ऑप्शन यहाँ पे देखने को मिल जाते हैं। फाइनली हम आ चुके हैं नेक्स्ट ऑप्शन के ऊपर, स्टोरेज। स्टोरेज के अंदर आपको देखने को मिलती है 2 GB 32 GB इंटरनल मेमोरी के साथ आपको फ़ोन देखने को मिलता है। यहाँ पे आपकी स्टोरेज को जो है आप मैनेज कर सकते हैं। उसके बाद आप नीचे की ओर मिल चले आते हैं स्मार्ट कंट्रोल। स्मार्ट कंट्रोल में आपको सबसे ऊपर साइड मिलता है लेफ़्ट टू चेक योर फ़ोन। इसके अंदर क्या होगा कि आप लिफ्ट करके आपके फ़ोन को चेक कर सकते हैं। उसके बाद आपको स्मार्ट मोशन का ऑप्शन मिलेगा। स्मार्ट मोशन के अंदर काफ़ी सारे ऑप्शन आपको देखने को मिलेगा। सबसे पहला जो ऑप्शन देखने को मिलता है इजी आंसर। इसके अंदर क्या होगा, जब भी आपके ईयर के पास, आपके कान के पास फ़ोन ले जाएंगे तो आपका फ़ोन रिसीव हो जाएगा। इजी बेल के अंदर क्या होगा, व्हेन यू, जब भी आपका फ़ोन आपके हाथ में लोगे तो आपका जो फ़ोन है ऑलरेडी जो इसका साउंड जो है कम हो जाएगा, म्यूट कंडीशन में आ जाएगा। म्यूट इनकमिंग कॉल कैसे होगा, थर्ड ऑप्शन जो है म्यूट इनकमिंग कॉल, आप फ्लिप करोगे फ़ोन को थोड़ा सा चेक करोगे तो यह फ़ोन आपका म्यूट हो जाएगा। उसके बाद आपको नीचे की ओर ऑप्शन मिलता है प्ले कंट्रोल के बारे में है, म्यूज़िक स्विच के बारे में एंड लॉक म्यूज़िक स्विच के बारे में, तो ये आपको ज़्यादा जानकारी नहीं दे पाऊँगा। उसके बाद मैं आप नेक्स्ट फीचर की ओर चलता है पॉकेट मोड। पॉकेट मोड के अंदर क्या होता है कि जब भी आप जल्दी जल्दी के अंदर फ़ोन को पॉकेट में डाल देते हो, जेब में डाल देते हो, तो आप टच डिसेबल का ऑप्शन को जो है इनेबल कर दीजिए और स्मार्ट बेल का ऑन कर दीजिए कि ऑटोमेटिकली मैक्सिमम वाइब्रेशन आपके इसके अंदर स्मार्ट वे के अंदर ये काम करता है। उसके बाद पावर सेविंग, ऑटोमेटिक ये पावर सेविंग में चला जाएगा जेब में डालने के बाद, तो ये इनके बाद की प्रोसेस है, चीज़ों को आप इनेबल करके रख सकते हैं। इसके बाद नेक्स्ट फीचर्स की ओर चलते हैं बैटरी। बैटरी के अंदर आपको सबसे ऊपर मिल जाता है बैटरी सेवर का ऑप्शन, उसके बाद बैटरी मैनेजर, अल्ट्रा सेविंग मोड एंड बैटरी परसेंटेज। बैटरी परसेंटेज को आपको इनेबल करके रखना है, जब भी आप नया फ़ोन लेते हो तो आपको पता चले कि आपकी बैटरी कितनी कंज्यूम हो रही है। उसके बाद आपको यहाँ पे पूरा ऑप्टिमाइज सिस्टम है कि आपकी बैटरी कितने घंटे चार्ज करती, कैसे पावर सेविंग, मतलब इसके अंदर आपको सारी जो है इंफॉर्मेशन आपको देखने को जो है मिल जाएगी। उसके बाद नेक्स्ट फीचर्स की ओर चलते हैं डिजिटल वेलबिंग एंड पेरेंट कंट्रोल्स। इसके अंदर सबसे अपर साइड में आपको मिल जाए शो योर डेटा। इसके अंदर आपको पता लगेगा आपका फ़ोन कितनी बार लॉक हुआ है, कितने नोटिफिकेशन रिसीव हुए हैं, और साथ में आपको ये भी पता चलेगा कि ये फ़ोन कितने मिनट तक यूज़ किया, कितने घंटे यूज़ करते हो और कौन कौन से एप्लीकेशन को आप यूज़ करते हो। सारी इंफॉर्मेशन आपको यहाँ पर जो है पता लग जाएगी। ये फ़ोन के अंदर ये काफ़ी इंटरेस्टिंग फीचर्स है, तो आप इसे अच्छे से यूज़ करना सीख जाइए। उसके बाद आपको नीचे एक और मोड मिलता है फोकस मोड का। इसके अंदर क्या होता है कि जब भी आप कोई भी एप्लीकेशन से ज़्यादा डिस्ट्रैक्ट होते हो तो उसे आपको कैसे डिस्ट्रैक्ट से हटना है, इसे कैसे फोकस मोड को इनेबल करना है। सिंपली से आपको फोकस मोड में जाना है। आपको कोई सा भी एक एप्लीकेशन को, जो इसे मैं मान लेता हूँ मुझे कैमरे से ज़्यादा डिस्ट्रैक्ट, तो इसे मैं टर्न ऑन कर देता हूँ। जब भी अब मैं कैमरा ओपन करूँगा तो मुझे कुछ इस तरह का जो है एरर शो होगा, इसके लिए मैं इसे वापस से सेटिंग में जाके इसे टर्न ऑफ भी कर सकता हूँ, तो ये आप यहाँ से इजीली जो है यूज़ कर पाएंगे। उसके बाद आपको ऑप्शंस मिलता है सिस्टम का। सिस्टम के अंदर आपको मिलता है OTG कनेक्शन का ऑप्शंस, रिसेट ऑप्शंस, और आपको सॉफ्टवेयर वगैरह का भी ऑप्शंस देखने को मिलता है। यहाँ पे आपको ऑप्शन मिलता है गेस्चर। गेस्चर के अंदर आपको मिल जाएगा क्विक ओपन कैमरा, ऑन कर सकते हैं। इसके अंदर आपको करना है कुछ भी नहीं, सिर्फ ये है ना वॉल्यूम डाउन बटन को ट्वाइस मतलब दबा के रखेंगे ट्वाइस बार, तो ये आपका जो है कैमरे की जो ऑन हो जाएगा, और ठीक है। उसके बाद ये सिस्टम नेविगेशन के अंदर आपको दो तरह का ऑप्शन देखने को मिलता है, बटन नेविगेशन, सॉरी इसके अंदर तीन तरह का ऑप्शन देखने को मिलता है, गेस्चर नेविगेशन, टू बटन नेविगेशन एंड थ्री बटन नेविगेशन। तो यार काफ़ी कमाल का फीचर्स आपको यहाँ पे देखने को मिलता है, ये दो बटन, थ्री बटन और गेस्चर नेविगेशन, ठीक है। गेस्चर नेविगेशन तो आपको पता ही होगा कि सारे जो है बटन गायब हो जाते हैं, कुछ इस तरह से वर्क करता है, बैक बटन लेफ्ट बार और राइट बार दोनों तरह से वर्क करता है। ओके, तो आपको जो ठीक लगे आप थ्री बटन नेविगेशन अभी फिलहाल ही, बट इसके अंदर एक और प्रॉब्लम है कि इसके अंदर जो बैक बटन है ना उसे आप लेफ़्ट टू राइट नहीं कर पाएंगे, ये बटन को यहाँ नहीं ला सकते और ये वाला यहाँ नहीं, तो ये दोनों जगह से चेंज नहीं होगा। ओके, उसके बाद आपको नीचे की ओर ऑप्शंस मिलता है अबाउट फ़ोन का। इसके अंदर आपको अपने फ़ोन का वर्ज़न, रैम रोम का पता लगता है, यार आप
काफ़ी सारे एडिशनल के बारे में पता लगेगा, बेसबॉल वर्जन वगैरह जिसके जो है आपको यहाँ पे पता लग जाएगा। उसके बाद एक्सेबिलिटी के अंदर आते हैं, एक्सेबिलिटी के अंदर भी सेम वही डार्क थीम का ऑप्शन, डिस्प्ले साइज एंड फॉन्ट साइज का भी ऑप्शन मिलता है, और इसके अंदर एक कलर करेक्शन का भी ऑप्शन मिलता है, कलर इन्वर्सन का भी ऑप्शन मिलता है। लार्ज माउस पॉइंटर, ये भी आपको एक नया ऑप्शन जो है यहाँ पे एक देखने को मिलता है। आपको एक और ऑप्शन मिलता है पावर बटन कॉल एंडेड, इसके अंदर क्या होता है कि जब भी आप पे जब सेंसर वर्क नहीं करता है तो कॉल पावर बटन को आप कर सकते हो, ये बटन से भी आप कॉल को कट कर सकते हो, तो ये आपको अगर आप इन फ्यूचर काम आए तो ये आप इसे याद देख सकते हैं आप। उसके बाद आपको मिलता है वाइब्रेशन एंड हैप्टिक, यार साली काफ़ी सारी सेटिंग इसके अंदर जो है ना बवाल मचा हुआ है, काफ़ी सारी सेटिंग्स इसके अंदर आपको देखने को जो है मिल जाती है, तो अगर मैं पहले ये ऑन कर लेता तो सारी सेटिंग यहाँ पे मुझे पता लग जाती। और इसके अंदर एक और नया ऑप्शन है ट्रू कॉलर एंड कॉल रिकॉर्डिंग, तो यार ये आप कर सकते हो, काफ़ी इंटरेस्टिंग है यार, तो इसे आप इनेबल कर सकते हो, काफ़ी कमाल का फीचर्स आपको यहाँ पे देखने को मिलता है ट्रू कॉलर ऑल कॉल रिकॉर्डिंग से। यार ये आप ऑन कर सकते हो, इसके अंदर कॉल रिकॉर्डिंग नहीं आता है क्योंकि वो वॉइस कंट्रोल वाला कॉल रिकॉर्डिंग होता है इसके अंदर, बट ये अगर आप यूज़ करोगे तो आपको कोई को भी अलर्ट नहीं जाएगा, तो ये आप यहाँ पे ये यूज़ कर सकते हैं। तो आपको मेरी वीडियो कैसी लगी मुझे लाइक करके कमेंट करके ज़रूर बताना। थैंक यू फॉर वॉचिंग।